नमस्कार सभी को, कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ कि आप सब लोग भी बहुत अच्छे से होंगे और अब कोरोना काल में नई नई चीज़ें सीख रहे होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है लाइन टेस्टर। इसका बेसिकली हम जो यूज़ करते हैं या इससे हम जो सीखते हैं, ये हमारी किसी भी सर्किट में लाइन को, जिसको हम फेस भी कह सकते हैं, उसको चेक करने के लिए यूज़ करते हैं। तो आइए देखते हैं लाइन टेस्टर। इंट्रोडक्शन, सबसे पहले मतलब कि लाइन टेस्टर आपका होता क्या है। तो ये एक तरीके का बेसिक टूल्स होता है जो आपका किसी भी सर्किट में, इलेक्ट्रिकल सर्किट में फेस, लाइन, पोर्ट या पॉजिटिव वायर को या चेक करने के लिए, जिसको हम वोल्टेज या करंट डिटेक्टर भी बोलते हैं, हम यूज़ करते हैं। इसको हम नियॉन स्क्रू ड्राइवर भी बोलते हैं और टेस्ट पिन भी बोलते हैं। ये उसकी कंस्ट्रक्शन है, इसके डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स अलग किए गए हैं। जैसे ये, अगर हम इस पार्ट की बात करें, ये एक रेजिस्टेंस है। उसके बाद ये आपका एक नियॉन बल्ब है। उसके बाद ये एक स्प्रिंग है और ये एक मेटेलिक टिप है। ये क्या पार्ट्स होते हैं, इनको हम अगली स्लाइड में देखते हैं। पहले जैसे आपका मेटेलिक रोड, तो ये आपका एक ट्यूब होती है, एक रोड होती है, जिस पे कि हम अगर अपने फिंगर टच करते हैं तो उसमें एक करंट फ्लो होती है, जो कि हमें उसमें एक बल्ब ग्लो करता हुआ दिखाई देता है। तो ये सबसे लास्ट में आपका जो टेस्टर होता है उसको कवर करता है। उसके बाद आता है आपका बॉडी एंड इंसुलेशन, यानी कि जो भी कंपोनेंट्स हैं वो सारे एक प्लास्टिक की बॉडी में कवर किए जाते हैं, जो भी जिसमें से आपका सर्किट, यानी पूरा जो सर्किट है टेस्टर का, एक प्लास्टिक की बॉडी में कवर किया जाता है, जिसको हम बॉडी या इंसुलेशन बोलते हैं, फॉर द सेफ्टी पर्पस ऑफ करंट। उसके बाद रेजिस्टेंस, ये एक तरीके का आपका कंपोनेंट होता है जो किसी भी सर्किट में करंट फ्लो होने का अपोज करता है। ठीक है, तो जब भी किसी भी सर्किट में आपका हाई करंट, यानी कि जो बल्ब लगा हुआ है, जो नियॉन बल्ब लगा हुआ है, उस करंट को कम करने के लिए हम एक रेजिस्टेंस का यूज़ करते हैं, जिससे कि आपका जो टेस्टर है, जो लाइन टेस्टर है, ये बिना किसी डैमेज के इजीली वर्क करता रहे, इसलिए हम इसका यूज़ करते हैं। उसके बाद नियॉन बल्ब, यानी कि किसी भी सर्किट में जब हम लाइन को चेक कर रहे हैं, तो इस बल्ब से हमें ये इंडिकेट होता है कि पर्टिकुलर आपका लाइन आ रही है नहीं, ये एक इंडिकेशन देता है, तो इसको हम एज ए इंडिकेटर बल्ब भी बोलेंगे। उसके बाद एलिमेंट, जो एक स्प्रिंग होती है, ये आपका कनेक्शन बनाती है बल्ब का और जो कैप पीछे आपने लगा रखा है, उनको आपस में जॉइंट करने का काम इस स्प्रिंग के थ्रू बोल करते हैं, जिसको हम एलिमेंट भी बोलते हैं। उसके बाद मेटेलिक कैप या स्क्रू और क्लिप, ये बेसिकली आपके सारे कंपोनेंट्स को टाइटली कनेक्ट करके रखती है, जिससे कि हमारा ये इजीली पोर्टेबल हो जाए और हम इसको आराम से हाथ में, पॉकेट में रख के यूज़ कर सकें। तो अब इसकी वर्किंग क्या होती है कि हम जब भी किसी लाइन को हमें चेक करना है, तो हम क्या करेंगे, इसके जो सबसे ऊपर वाली कैप होती है, जो सबसे ऊपर वाली टेप होती है, उसको हम टच करते हैं फिंगर से। तो जब हम उसको फिंगर से टच करते हैं और हमने उसको एक सप्लाई दे दी, उसके टिप को, आगे वाली को, और पीछे वाली टिप को हमने फिंगर से टच कर लिया। जैसे मान लिया मेरे पास ये टेस्टर है, ये वाली चीज़ तो हमने कर दी सप्लाई में, ठीक है। उसके बाद ये मेरा पूरा स्क्रू ड्राइवर हो गया, और ये जो पीछे वाली टिप है, इसको मैंने अपने हाथ से टच कर दिया, तो यहाँ पे बीच में एक करंट फ्लो होने की वजह से पूरा सर्किट बन जाता है। एक मेरे हाथ का पॉइंट होता है उसमें, और एक अंदर जो हम इंटरनल सप्लाई देते हैं, तो उससे एक पूरा सर्किट बनने के बाद एक करंट फ्लो होती है, जिससे कि इसके बीच में एक बल्ब होता है, न्यून बल्ब, वो ग्लो करने लगता है। तो इससे हमें ये चीज़ पता चल जाती है कि यहाँ पर लाइन आ रही है या नहीं आ रही है। अगर वो बल्ब ग्लो नहीं होता, तो इसका मतलब है कि वहाँ पे लाइन नहीं आ रही, और अगर वो बल्ब ग्लो हो जाता है, दैट मीन्स कि सर्किट इज़ ओके, करंट इज़ फ्लोइंग इन हेयर। आगे चलते हैं। अब जब भी हम टेस्ट करते हैं इस चीज़ को,
कि लाइन आ रही है या नहीं, तो कुछ उसके सेफ्टी प्रिकॉशन होते हैं और हमें वो सेफ्टी प्रिकॉशन ध्यान में रखने चाहिए। क्या? पहला तो यही कि हमें कभी भी बिना प्रॉपर गाइडेंस के और केयर के कभी भी बिजली पे काम नहीं करना चाहिए। दूसरा कि जब भी हम उसको इलेक्ट्रिसिटी के साथ कोई भी काम कर रहे हैं, डील कर रहे हैं, तो हमारे पास एक ऐसा पर्सन ज़रूर होना चाहिए जिसको उसकी नॉलेज हो, जो हमें गाइड कर सके। तीसरी चीज़ कि हमें कभी भी लाइन वायरिंग को या चलती हुई लाइन को कभी भी टच नहीं करना चाहिए। चौथा कि जब भी हम लाइन टेस्टर यूज़ कर रहे हैं तो हमेशा 100 वोल्टेज और 500 वोल्टेज के बीच का ही हो, उससे हायर लेवल पे हम ना जाएं। चौथा नेक्स्ट वन इज़ कि जब भी आप यूज़ कर रहे हैं तो हाई वोल्टेज को आप ना यूज़ करें, हाई वोल्टेज को ना टच करें, यूज़ में ना हो। तीसरा जब भी आप हैंडल कर रहे हो नेक्स्ट वन, तो अब कभी भी आप जो है उसको हिट ना करें लाइन टेस्टर को, नहीं तो आपका जो बल्ब या एलिमेंट होगा वो ख़राब हो जाएगा। तो इसी उसमें जो चैप्टर में इतना ही था कि लाइन टेस्टर क्या होता है, उसके पार्ट्स क्या होते हैं, करंट कैसे फ्लो होती है उसमें, और जब भी हम उसमें काम करते हैं तो हमें क्या क्या सेफ्टी प्रिकॉशन करने चाहिए। मुझे लगता है कि आपको ये चैप्टर समझ में आ गया है। अगर आपको ये चैप्टर समझ में नहीं आया तो प्लीज़ आस्क मी, और प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक दिस वीडियो एंड कमेंट दिस वीडियो ऑल्सो। थैंक यू।